यू कैन सो गेट वरीड दैट आई होप यू नॉट लूजिंग टाइम आउट इन दिस वर्ल्ड. I hope you don't use your energies and just wasting it and indulging into stupid thought processes. I find that pretty worrying for me. हो जो भी हो भगवान कोई बात नहीं, लेकिन कहीं मैंने अपना समय बर्बाद तो नहीं किया, कहीं मुझसे अज्ञान में ऐसे कर्म ना हो जाए जिसको मैं कभी राइट कर ही ना पाऊं. When I wrong something to do it right is such a waste of time. Most of the time we are spending our times in correcting our mistakes. So when do we do the right things? Right? Correct? So worry is a negative thing, darling. Clearly negative in the world. But if you worry from the spiritual perspective, हाँ कि आप सुजाग हो कि गलती से भी कोई गलती मन के द्वारा ना हुई सुजागी worried because I understand the implications. Yeah, you are an awakened soul. तो आपको मालूम है शब्दों की महिमा क्या है, आपको मालूम है कि थॉट एनर्जी क्या होती है, संकल्प सिद्धि और संकल्प से क्या होता है, आपको मालूम है. एक भी भाव अगर आपका गलत नहीं है तो आप बताओ आपके लाइफ में माता प्रकृति आपको गलत अनुभव कैसे देगी. ये आपका भाव राइट है दैट इज गुड इनफ टू प्रोटेक्ट यू. तो टू बी वरीड कि भाव गलत ना निकले, आपको लगता है किसी और को थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो मालूम है ना सबको वो कहानी. एक राजा था तो उसने अपने दो बच्चे जो थे ट्विंस थे तो किसको सीट दें कैसे मालूम पड़े भाई, ये नॉर्मली सब राजाओं का मेजर कंसर्न होता है तो सीट किसको मिले है ना, किसको मिले. तो उन्होंने क्या किया, पर वो बहुत राइटियस राजा था, बहुत अच्छा था, सुजाग वाला राजा था. ही वाज प्रीटी अवेकेंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही डिडंट हैव ज्ञान बट प्रीटी अवेकेंड था. तो उसने क्या बोला, एक बेटे को बोला देख मैं तेरे को ना ये हेन देता हूँ. दोनों को एक एक मुर्गी दिया. हाँ, दोनों को एक एक मुर्गी दिया और बोला तुम दोनों ना इसका वध करके आना, पर ऐसे जगह जाना, ऐसे वध करना जहां कोई तुमको देख ना ले, है ना, जहां कोई तुमको देख ना ले. तो दोनों ने बोला ठीक है. एक ने बोला कौन सी बड़ी बात है, वो गया जंगल में, देखा लेफ्ट, देखा राइट, देखा स्ट्रेट, कोई देख तो रहा नहीं था. एंड दोस डेज इट वाज नॉट अ डिजिटल पीरियड राइट, तो कोई था ही नहीं. तो उसने फटाफट उसका वध किया और लाके अपने राजा के सामने दिखा दिया कि व्हाट अ बिग थिंग, नॉट अ थिंग एट ऑल, नॉट अ ब्रेनर, देखो मैंने कर दिया. तो राजा मुस्कुराए, बोला ठीक है थोड़ा वेट करते हैं. तो फिर बहुत टाइम निकला निकला निकला, फिर दूसरा बेटा आया एंड हिज हेन हिज मुर्गी वाज अप एंड रनिंग. There was nothing wrong with it. उसपे वो वधी नहीं कर पाया उसका. तो राजे ने बोला ये क्या किया तुमने, उसका वधी नहीं किया, this was your challenge that you had to do this. बोला मैं कर ही नहीं पाया, कर ही नहीं पाया. वो दूसरा जो बेटा था बहुत खुश हुआ, बोला देखो अभी आप अनाउंस ही कर दो कि मैं ही राजा की, आपका दूसरा बेटा इतना निकम्मा है, एक मुर्गी को नहीं मार पाया, बताओ एक मुर्गी को. Was that even a task to do this? Like, you know. So it's not always the physical task that is always challenging. There are many things that go with it, you know. तो वो बात सूक्ष्मता से कोई समझे तो बड़ी बात है. तो फिर राजा बहुत ही गहरा इंसान था, विवेकी था. उसने बोला ठीक है बेटा वो तो देख लेंगे, पर इसकी भी तो बात सुन ले. तो उसने अपने दूसरे बेटे से बोला बेटा तू बता तू कर क्यों नहीं पाया, आसान सी चीज थी. तो बोला नहीं इतनी आसान नहीं थी. तो राजा ने बोला कैसे आसान नहीं थी, बोला देखो मैं हर जगह गया मुर्गी को लेकर, हर जगह, जंगल गया, पहाड़ पे गया, अकेले जगह गया, सब जगह. हमेशा मेरे को लगता था कि चलो यहाँ चलता हूँ, यहाँ मार दूंगा, कोई देख नहीं रहा. लेकिन फिर मेरे को समझ में आया मेरे अंदर का भगवान तो देख रहा है ना, मैं तो देख पा रहा हूं ना. तो कोई ना देखे वॉज अ कंडीशन, पर मैं तो देख रहा हूं ना. मतलब क्या, आपका किया हुआ कर्म, आपके मन का भाव क्या आपसे छुपा है? जे आपसे नहीं छुपा तो कहीं और से कैसे छुपेगा, कैसे छुपेगा? द कैमरा इनसाइड इज कॉन्स्टेंटली क्लिकिंग, कॉन्स्टेंटली क्लिकिंग, एंड देयर इज नन अदर देन यू ऑन दिस प्लैनेट. There is complete connection. बोला ना बाहर की रोशनी और अंदर की रोशनी एक है. सुनते हैं oneness, 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 बस सुनते हैं. जहां अपना रस आता है, जहां वासनाएं आते हैं, वह फटाक से duality में आ जाते हैं. Oh, this auntie so cool, no?
वो जो अंकिलस आई टेल यू मुख से तो फटाक निकल जाता है, क्योंकि अंदर क्या गटर है ना, अंदर में क्या गटर है, ये गटर नहीं है और फिर भी आपका मुख से ऐसे शब्द निकलते तो वो बुरा नहीं लगता, ना ही कोई कर्म बनता है। जैसे कृष्ण का कभी कोई कर्म बना ही नहीं, सब कुछ सब कांड करे उन्होंने, सारे कांड करे, कोई एक कांड नहीं है जो नहीं करा होगा। कांड मतलब मटकियां फोड़ी, मक्खन चुराया, एवरीथिंग ही डिड व्हाटएवर एनी नॉटी किड वुड डू, पर कर्म बना नहीं, क्योंकि उनका अंदर में ना एक था ना दो। मैंने जब बोला कि एक था ना दो तो इसका मतलब क्या है, अंदर में पुरुषार्थ करने वाली ऊर्जा, पुरुषार्थ करने वाला बंदा भी नहीं बचता, नहीं बचता। एनालिसिस कौन करता है वो भी नहीं बचता, एक भी नहीं है, दो तो है नहीं, वो एक भी नहीं है, उसकी कहानी बताने वाला भी नहीं बचता। वो है हाईएस्ट, हाईएस्ट इज द एहसास ऑफ एवरीथिंग एंड नथिंग, कंप्लीटनेस इज इन नथिंगनेस। फिर से जोर से बोलो, कंप्लीटनेस इज इन नथिंगनेस, नथिंगनेस। अपने को आराम में लेके आना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, शरीर का आराम नहीं, पर किसका आराम, मन का आराम। और जब तक मन बेचैन है, बेचारा राइट है, आपका साथी है, इट्स सच ए गुड थिंग, बिकॉज देन यू विल डू व्हाटएवर इट टेक्स नो टू ब्रिंग इट इन आराम। चलो गुरु की वाणी ये अप्लाई कर लेते हैं, पहले खूब कोशिश करेंगे, तू सुधर, तू सुधर, तू सुधर, मुआ सुधरता ही नहीं है। अच्छा अब और क्या करें, चलो इसकी शिकायत किसी और से करते, शायद काम बन जाए। तू सुन मेरी बात, लेट्स मीट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, नो ओके कम, वी मीट ओवर अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी तो पिया, खर्चा भी किया, फिर क्या किया, एक दूसरे की उल्टी चाटी, चाटी नहीं चाटी, चाटी नहीं चाटी, ये अपना गंध बोलेगी, मैं अपना गंध बोलूंगी, और बोलेंगे ओके सच टाइट फ्रेंड्स, नो सच टाइट फ्रेंड्स, ये टाइट फ्रेंड्स है, ये क्या है बताओ, है ना। और जब हम उल्टियां चाटेंगे तो क्या होएगा पेट के अंदर, आप बोलो, तो वहां से भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम सोचते हैं इसको बोला नहीं हुआ, इसकी बात इसको करी तो भी यहाँ कुछ फर्क हुआ नहीं, चलो भगवान से शिकायत करती है, है ना। वहां पे करी 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 प्रार्थना के आड़ में, वहां प्रार्थना का चादर ओढ़ के गंध चटाया भगवान को, प्रार्थना के आड़ में आकर तो वो सारी प्रार्थनाएं कहां जाती है, कचरे के डब्बे में। साउंड्स बैड एंड वियर्ड बट दैट इज द ट्रुथ, कचरे के, कोई ऑब्लिगेटेड नहीं है, नॉट इवन भगवान, फॉर योर इनकम्पेंटेंसीज, नोबडी इज ऑब्लिगेटेड, डू यू अंडरस्टैंड। फिर वो भी चलो, अब वो भी नहीं हुआ, बोल के देखा नहीं हुआ, बोला इसकी बात नहीं हुआ, हाय हाय मचाई नहीं हुआ, भगवान के पास शिकायत करा नहीं हुआ, अब दूसरा ऑप्शन बचा नहीं। 3 साल से मेरी पड़ोसी बुला रही है, सत्संग आ जा, सत्संग आ जा, सत्संग आ जा, नहीं नहीं नहीं, अभी क्या करें, अभी और कोई चारा नहीं है, सारे ऑप्शंस कर लिए, चलो कुछ होता तो नहीं, देख लेते हैं। सत्संग सुना, मन एकदम से हिल गया, उप्स, इनको तो मेरे सारे गंदगी का मालूम कैसे पड़ा, कैसे वाणी में ये सब निकल गया, ओ माय गॉड, समबडी टोल्ड। फिर मैं किसी को फोन करती हूँ, माता तूने जो मेरे को इनवाइट करा, कहीं तूने तो नहीं बोला यहाँ पे मेरी सारी बात। वो बोलेगी अरे बाबा, मैं कब से सत्संग सुनती हूँ, मैं क्यों तेरी बात उनको बोलूंगी। तो बोलते हैं अच्छा ये तो कमाल हो गया। Then something starts happening, the magic begins, magic begins ना, सच सच को खींचता है, प्रेम इतना सुंदर होता है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि उसके आगे झूठ बेचारा टिक नहीं पाता, है ना, टिक नहीं पाता। रोशनी क्या जाने अंधकार कैसे दिखता है, रोशनी जान सकेगी, तो फिर उसकी उसकी रातों की नींद फिरती है कि उस वाणी में ये सब निकला कैसे, माय गॉड मैं तो वही, मेरे आसाप को वही हो रहा है, इनको कैसे मालूम पड़ा। वो खुजली आई ना अंदर में, भले वो झूठ की आदत वाला मन है, यहाँ पे भी झूठ ही अप्लाई करेगा, पर फिर भी आता तो है आउट ऑफ इनक्विजिटिविटी। वो माता फिर से लिंक पे उंगली लगाती है फटाक से, and then again the magic begins, and it is mesmerizing, and it's like, am I getting mesmerized, can that really be, seriously, I mean for sure usme koi galti nahi thi,
अच्छा तो मतलब गलती देखने वाला ही गलत होता है। दिस इज रियली टू मच ऑफ कन्फ्रंटेशन राइट ऑन माय फेस, राइट ऑन माय फेस, है ना। मन को एकदम अजीब लगता है कि अब तक सारा सुख मेरे ही हाथ में था, मैं देश देश फालतू में घूमकर बेगानों की तरह समय वेस्ट करता था। कैन इट बी दैट सिंपल? इज इट रियली सो सिंपल? अच्छा मैंने शॉपिंग करी, मैंने कर्म प्राणियों को चुना, मैंने ही ऐसे जाना, मेरा ही दिमाग ऐसे था। आपने सामने वाले को रस पकड़ाया, अब जब उसको आदत हो गई तो आप छूटने की करते हो, वो छोड़े तो छोड़े क्यों? कोई भी आपके सामने प्रकट हो जाता है, आप अपने से सच्चा होना, क्या आपने उसकी याद नहीं करी थी? क्या कहीं ना कहीं आपको रस नहीं था? क्या किसी भी प्रकार का आपके अंदर में द्वेष भाव नहीं था? प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज अ पर्पस व्हाई थिंग्स हैपन टू अस इन लाइफ। इट कैन नॉट हैपन अनलेस यू हैव नॉट ट्रिगर्ड इट। इट कैन नॉट हैपन, इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम यू, ऑलवेज। अगर आपके हाथ में रस्सी है और आपने ऐसे किया, एंड रस्सी की एंड तक वो रिपल जाएगा, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं? अगर आप उस रिपल से दुखी सुखी होते हो, शोर मचाते हो, भगवान की मूर्ति के पास जाके शोर मचाते हो, व्हाट कैन एनीवन डू अबाउट इट? ऑल यू नीड टू डू इज रियलाइज दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर हैंड, जस्ट ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप। The beginning is from you. The end has to also be through you. So please stop this journey of a lie. अपने को दर्द देना बंद करो। अपने को ये सताना बंद करो। क्या करना है आप बोलो? तो जब कोई और चारा रहता नहीं है, तो माता तीसरी बार भी सत्संग में आती है। आती है नहीं आती? क्योंकि परेशान हो चुकी है, प्रकृति उसकी बात सुनती नहीं, घर वाले उसकी बात सुनते नहीं, और तो और भगवान ने भी उसकी बात सुननी छोड़ दी। फिर उसको सुनना पड़ता है, फिर उसको ऊंचे वचन का सहारा लेना पड़ता है, और तब तीसरे सत्संग सुनने के बाद उसके अंदर में समझ में आ जाता है, शीशा साफ दिखाई देने लगता है, एंड हर जर्नी बिगिन। इट माइट टेक व्हाटएवर इट टेक्स, बट एटलीस्ट द बिगिनिंग हैज बीन मेड, राइट? एटलीस्ट द बिगिनिंग हैज बीन मेड। कभी ना कभी तो, कभी ना कभी आप कोई भी दवाई दो, देखो डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप किसी भी बीमारी की दवाई दो तो दवाई खाते ही इंस्टेंटली बीमारी खत्म हो जाती है। क्या होता है बोलो? टाइम लगता है? इतनी सी भी गोली है पर टाइम लगेगा? वो बोलेगा कोर्स है एंटीबायोटिक का, 3 दिन या 5 दिन, 3 बार दिन में खाओ। साथ साथ लाइफस्टाइल की सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। खाली पेट एंटीबायोटिक खाओगे, जल्द भर के वही मर जाओगे। समझ में आता है? इम्यूनिटी को अपने ही शरीर से हमको बढ़ानी पड़ती है। समझ में आया? सिमिलरली ऐसे ही हर चीज को शिफ्ट में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर जर्नी एक बार शुरू हो जाती है तो जरूर रंग लाएगी। सच को आरसी क्या? रंग लाएगी। इट्स एन एंटायर मैकेनिक्स ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स। जितना उस बात को समझेंगे उतना हम अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। कितनी भी सुंदर गाड़ी हो, अगर आप उसको चलाना नहीं जानते तो वो आपको सुख कैसे देती? चलाना जान जाओगे तो बहुत सुख देगी। वो एक कहानी है ना, तो दृष्टांत है। एक माता थी, वो आई साईं बाबा के पास और बोला मेरे शरीर से कुछ कार्य हो ही नहीं पाता, उम्र हो चुकी है और बहुत बचपन से मेरा शरीर बीमार रहता है, तो मुझे सत्य कर्म करने की सच में बहुत इच्छा है, तो आप बताओ मेरे को आपके लिए कुछ करना है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने बोला मेरे लिए तो तुम क्या करोगे, ऐसे कोई चीज नहीं है जो मेरे शरीर को या मेरे मन को चाहिए, पर तुम्हारा भाव बहुत शुद्ध है तो तुम क्या करो कि तुम पूरन बोली बनाना। तो बड़ी खुश हुई, बोला बाबा मैं लेके आऊ आपके लिए, आप खाओगे ना पूरन बोली? तो बोला मैं कहा नहीं हूँ, और बाबा की बात लाइटेंड सोल की बातें, तो ये छोटा वाला दिमाग थोड़ा कम ही समझता है। लेकिन उन्होंने बोला तू ऐसा कर, तू बना, और जब
जब सूरज एकदम सर पे आ जाएगा ना, उसी टाइम पर तू दरवाजा खोलना और जो सामने तेरे को दिखेगा उसको तू पूरन पूरी खिला देना। सुना है किसी ने ये कहानी? नहीं, तो तुम उसको खिला देना और साथ में अपनी माँ को भेजा, बाईजा माँ को उनके साथ भेजा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाईजा माँ थोड़ी विवेकी है, उनको थोड़ा विश्वास है। ठीक है, तो भले हम बोलते हैं हमारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, पर कभी कभी डगमगा जाती है, क्योंकि भक्ति तो होगी सर्वश्रेष्ठ, पर बुद्धि कहाँ जाए, ये डाउटिंग कैपेसिटी एंड टेंडेंसी कहाँ जाए। पूर्ण विश्वास के लिए क्या चाहिए आप ही बताओ, आपको ही मालूम है पूर्ण विश्वास क्या होता है। पूर्ण विश्वास कम्स ओनली व्हेन इट इज बैक्ड विद योर ओन इंटरनल अनुभव। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपके और भगवान की एकत्वता पर विश्वास नहीं होगा, तब तक किसी और पे विश्वास कैसे आएगा? किसी और पे विश्वास तो करना ही नहीं है ना, अपने ऊपर ही विश्वास करना है ना। तो वो प्यारे झूठी बड़ी खुश हुई, तो बाईजा माँ का भी संग मिला उसको, इतने साईं बाबा की माँ का संग भी तो उसको मिला ना। तो वो अपने घर पे गई और खूब प्योर घी के साथ मेहनत से, वो माता जो है जिसका शरीर ठीक भी नहीं तो भी आशीर्वाद उसको मिला, उसको लगा कि इसका जन्म सिद्ध हो गया क्योंकि उसको सेवा का मौका मिला। उतने अच्छे से उसने खूब सारे पूरन पोली बनाए एंड शी कुडंट हार्डली वेट कि पता नहीं कौन आने वाला है मेरे दरवाजे के आगे, मैं किसको खिलाने वाली हूँ, कौन सा साधु आएगा, कौन सा संत आएगा, साईं बाबा ये प्रकट हो सकते हैं, वो भी तो आ सकते हैं उस रूप में। तो वो इतनी इतनी वो थी। तो फिर बाईजा माँ ने बोला धीरज 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 एंड करेक्टली। कई बार उसके मन में आया मैं अभी खोल दू ना क्या हो जाएगा, अभी खोल दू ना क्या हो जाएगा, अधीरज नहीं आता है। हम सबके मन में भी तो अधीरज है ना, कि आपको देखना है, आपको चखना है, आपको अधीरज, ठीक है। लेकिन बाईजा माँ डू नॉट अलाउ दैट टू हैपन। और जब सच में सूरज सिर पर आया तो उसने दरवाजा खोला विद फुल एक्साइटमेंट, थ्रॉटल इतना था अंदर में ऑफ एक्साइटमेंट पूछो मत। तो सामने क्या दिखा उसको? एक भैंस। सामने क्या थी? भैंस, है ना। तो वो सामने भैंस थी। अब सामने भैंस को देखकर तो उसका क्या होगा आप सोचो, आप और मैं होते तो क्या होता? हार्ट अटैक ही आ जाता है ना, क्योंकि हमारे अंदर में नाम रूप का बहुत झंझट चल रहा है लोचा दिमाग के अंदर। नाम एंड रूप, हर नाम अलग, रूप अलग, भगवान अलग, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ पीपल इन आर हेड, राइट। डिफरेंशिएशन इज अ डिजीज, ओके, अ लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन इन आर हेड इज अ डिजीज। सो वो एकत्व जब तक नहीं है तब तक पवित्रता नहीं है, तो नहीं थी ना, कोई बात नहीं। तो सामने भैंस को देखकर इतनी वो शॉक हो गई, इतनी शॉक फॉर अ फ्यू सेकंड्स बाईजा माँ भी शॉक हो गए कि अरे बाबा ने तो ऐसा बोला था। फिर वो शांति में आए, उन्होंने बोला कि देख बाबा ने बोला जो सामने आएगा तुम उसको खिलाना, ये तो नहीं बोला कि जानवर आएगा या जंतु आएगा या इंसान आएगा। तो अभी तेरे दरवाजे के आगे कौन आया है? भैंस, तू खिला। तो उसको प्योर घी, बताओ खुद सुपेरे से भूखी रहकर है ना, उसकी खुशबू आती जा रही होगी उसके अंदर, उसने पेट में डाला नहीं है ना, इतना तप करके इमेजिन, वो हाथ से लेकर उसने रोते रोते मुंह में डाल दिया, डाला जरूर, डालते ही वो भैंस मर गई। क्या हुआ? डालते ही वो भैंस मर गई, मार पे मार, मार पे मार, क्या लगेगा अंदर में? क्यों माय गॉड, प्रॉमिस प्रॉमिस आई डिडंट डू एनीथिंग, मैंने पूरन पोली में कुछ नहीं बनाया, प्योर घी का था भाई, शुद्ध था भाई, हर चीज राइट थी, बाबा का वचन पूरण किया। क्या आपको गुरु पे शक नहीं होगा अगर ऐसी चीजें सामने आए? ये बोलता क्या है, ये गुरु सच में गुरु है कि है क्या, ये बात क्या है इनकी? जो एकदम साधा हुआ मन होगा ना जिसका, वो बोलेगा जो हुकुम, जो हुकुम नहीं। बाईजा माँ के अंदर में एक लकीर भी नहीं आई, पर वो प्यारी का मन ठ, एक तो भैंस को खिलाया, ऊपर से खिलाते ही मर गई। दोनों कर्तापन के बोझ से, बाईजा माँ के अंदर में इतना कर्तापन नहीं था, बच्चे लेकिन कंफ्यूज, इतना कर्तापन का बोझ होता है ना, मैंने बनाया, मैंने खिलाया, मैंने मार तो नहीं दिया। वो गए दोनों साईं बाबा के पास और खूब उनसे पूछा कि बाबा ये क्या हुआ, बाबा ये क्या हुआ। तो बाबा ने उस टाइम खुलासा किया
और ये सीक्रेट बताया कि तुमने, तुमको लगा कि तुमने भैंस को खिलाया, पर असल में वो एक स्त्री थी, योगिनी थी। देखो शॉक, व्हाट डू यू मीन? तो बोला हाँ, वो तप के रास्ते पर थी, और रास्ते पर, क्योंकि जो ग्रस्त में होता है उसको हर चीज मिल भी जाती है, तभी बोला ना ग्रस्त बहुत सुंदर होता है। ग्रस्त में रहकर तुमको गुरु मिल जाए, सोने पे सुहागा, कुछ ना छोड़ना, कुछ ना त्यागना, अपने ही कमाई से आप खाते हो, अपनी जगह पर रहकर आप तप करते हो, औरों को भी आप फायदा देते हो, मतलब सारा सुख तुमको मिला पड़ा है, करेक्ट। लेकिन जिसने संन्यास का रास्ता लिया, योगिनी का रास्ता लिया, तो दे डोंट हैव द एक्सेस टू अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, तो उसके अंदर में पूरन पोली खाने की वासना आ गई थी। पर जब तक उसको वो पूरन पोली मिले मिले, तब तक शरीर का समय आउट हो गया, उसके प्राण चले गए, और क्योंकि उसके मन में, डिस्पाइट हैविंग दिस और बीइंग अ योगिनी, मन की वासना भी थी, तो उसका अगला जन्म किसका हुआ? हाउ स्कैरी कैन दैट बी? भैंस का हुआ, भैंस का जन्म। लेकिन बाबा करुणा निधान, जानी जानन हार, है ना, उनको तो सब मालूम था, दिखाई दे गया, वो उनके शरण में आई थी, उन्होंने बोला बाबा मेरी मुक्ति करो, तो इनके हाथों द्वारा वो पूरण बोली भी खिलाकर उसका प्रीवियस जन्म के पुण्य को उसके खाते में रखकर उसको मुक्त किया। एंड दैट इज द महिमा ऑफ गुरु। नो वन एल्स कैन डू दिस, नो वन एल्स, नो वन एल्स। सच में उसको खिलाया ना, उसको खिलाया ना। हमारे भगवान भी कोई कम नहीं थे। एक योगी था, उसको आइसक्रीम का बहुत शौक था, तो बोलता था भगवान मेरा ध्यान ज्ञान में कम, आइसक्रीम में ज्यादा रहता है। मैं आता तो हूँ आपका संग करने, आपका ज्ञान सुनने, बट रियली आई जस्ट लव दिस थिंग कॉल्ड आइसक्रीम। उनको बहुत मन था, तो भगवान मुस्कुराते थे। भगवान ने बोला तू फिक्र ना कर, तू आया कर सत्संग में, कुछ नहीं होता। एंड बिफोर दैट योगी वुड कम, भगवान क्या करते थे, इतनी इतनी सारी आइसक्रीम बना बना के ना बाजार से खरीद कर करके रखते थे उसके लिए, और बोलते थे तू आ तो गया है, अभी तेरे को सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, तू बैठ जा, आराम से आइसक्रीम खा, सत्संग कहाँ जाएगा, ज्ञान कहाँ जाएगा। अब वो प्यारा, आप सोचो, आइसक्रीम सामने, नो जजमेंट, कंप्लीट लव फ्लोइंग कंटिन्यूसली, कंप्लीट निष्काम हैपनिंग कंटिन्यूअसली। आपको क्या लगता है, जहां गुरु का हाथ होगा वहां वासना टिकेगी क्या, टिक सकती है क्या? पर क्या फर्क है गुरु में और आप में और हम में? फटाक से जजमेंट होती। प्रीच करना इज द इजीएस्ट थिंग ऑन दिस प्लैनेट, पर तुमने प्रैक्टिस कितना किया? चलो एक इंद्रिय पे जीत दिखाओ मेरे को, जीत कर एक इंद्रिय पे भी जीत करके दिखाओ, नहीं होता है ना। कितना मन करता है बकबक करने का, कितना मन करता है टेस्ट करने का, कितनी बातें हैं हमारे अंदर में, पर इतना इजी है बोलना, इतना इजी है, डोंट आस्क, राइट? तो भगवान ने जस्ट दी ऑपोजिट। और वो आइसक्रीम खाए तो आपको क्या लगता है, सत्संग चल रहा है, बंदा आइसक्रीम खा रहा है, तो उसके कान का शटर डाउन है क्या? नहीं है ना। वाणी तो वहां तक भी तैरते हुए पहुंच रही है, और जो पहुंच रही है वो आंखों से दिखाई नहीं देता, गुरु का प्यार, वो गुरु का हाथ, वो अनबिलीवेबल, अनमेजरेबल, अनडिफाइनेबल वाइब्रेशनल एनर्जी। दो आइसक्रीम, तीन आइसक्रीम, चौथे के बाद उसका जैसे मन ही भर गया, मिरेकल्स ऑफ मिरेकल्स। वो हमारा दिमाग का खुलासा करेगा, वो हमको अपने आप का दर्शन कराएगा, कॉमन सेंस वो ही बिठाएगा, वही हमारे अंदर में व्यवहार के सेंस डालेगा, हमको अपनी स्टुपिडिटी से वो ही बचाता है। फालतू के कार्य करते हैं कि नहीं, और खुद ही फंसते हैं, खुद ही ट्रैप में फंसते हैं, है कि नहीं, है ना?